एक दिन बाहर क्या चले जाओ, मुसीबत आ जाती है घर में सबको, आते ही सबके लिए खाना बनाओ। शांति से पूरा फंक्शन भी अटेंड नहीं कर पाई, गॉसिप अभी शुरू होने वाली थी और मुझे आना पड़ा। तो कभी आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, कभी ऑफिस से आने में लेट हो जाए या फिर कहीं फंक्शन में अटक जाए और घर आके खाना बनाना हो, और सबसे बड़ी बात ये कि घर का ही खाना हो वो भी हेल्दी, तो हम क्या करेंगे? इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज आपके लिए लेके आई हूँ मेरी मनगढ़ंत हेल्दी रेसिपी। तो चलिए देखते हैं किचन में क्या क्या अवेलेबल है, फटाफट कुछ स्वादिष्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ, ये मैं इस तरह से जो है ना करके चॉपर में करके रखती हूँ हमेशा। प्याज बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और साथ में धनिया। धनिया भी अक्सर मैं बिना धोए ऐसे कर लेती हूँ, फिर डालने से पहले धो लेती हूँ। और ये कुछ चीज़ें मैं फ्रिज में रेडी रखती हूँ। फ्रिज में से ये थोड़ा सा मसाला, मतलब आलू का चोखा जिसे बोलते हैं, वो निकला, तो वो भी मैं इसी में यूज़ कर लूँगी। और पनीर अक्सर मंगवा के रखती हूँ, अगर आप घर भी पनीर बनाना चाहते हैं तो। मैंने रेसिपी दिखाई थी, मैं ऊपर लिंक अटैच कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाता है। पर हाँ, पनीर रखा हुआ है तो देखते हैं कितना पनीर पड़ेगा अब इसमें। एंड साथ में ये वेजिटेबल्स अवेलेबल थी, थोड़ी सी गोभी थी और थोड़ी गाजर थी, और मेथी भी इस तरीके से जो है काट के रख लेती हूँ फ्रिज में। काफ़ी चीज़ें मैं पहले से रेडी भी रखती हूँ या फिर कटवा भी लेती हूँ कई बार कुक से कि आप रेडी कर दीजिए, मैं बना लूँगी आके, और अब इसे जो है हम धो लेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। ये जो गाजर का टुकड़ा है इसे पहले हम डाइस कर लेंगे, गोभी को भी हम थोड़ा बारीक कर लेंगे, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मेथी को अच्छे से धो लेते हैं, ताकि जब तक बनाऊंगी ये रेसिपी जिसका नाम मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है, तब तक ये पानी निचुड़ जाएगा इसमें से थोड़ा। अब ये गोभी और ये गाजर जो मैंने काटी है ये मैं डाल रही हूँ ब्लेंडर, और बिना पानी डाले फ्रेंड्स ये कुछ इस तरीके का हो गया। अगर एक आध या एक दो गोभी के टुकड़े रह जाए तो कोई बात नहीं, वो हम नाइफ से कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा इस तरीके का मसाला जैसा रेडी हो गया। अब मसाला रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। मैंने लिया थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, चाहिए तो आप देसी घी ले सकते हैं। थोड़ा जीरा डालेंगे, फ्लटर हो गया। उसके बाद अनियन, जो प्याज काटा था ना एक बड़ा प्याज ले लिया, और हरी मिर्ची भी साथ में ही डाल दी है मैंने। एक टीस्पून लहसुन बारीक कटा हुआ, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स। कई लोगों को जो है मसाला पराठा, जिसका नाम अब मैंने डिस्क्लोज किया है, या मसाला रोटी जो ग्लूटेन फ्री बहुत हेल्दी बनाए जा रही हूँ ये नाम है इसका, कई लोगों को लहसुन नहीं पसंद आता तो माइनस करके सिर्फ अदरक डाल सकते हैं। मैं बारीक कटी अदरक डाल रही हूँ एक टीस्पून, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची, हल्दी अगेन ऑप्शनल है, मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें, हल्का सा नमक। बस ये मसाला ना हल्का सा जो है हम सौते कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे मतलब। बस ये देखिए मसाला ब्राउन हो गया है थोड़ा, और हम गैस पर को बंद कर लेंगे। राजकुमार दैट इज वेरी गुड, बट व्हाट यू आर डूइंग लेट के देख रहे हो फोन वगैरह? बहुत अच्छा बना है, बहुत सुंदर बना है। शो कम, वेरी नाइस बबलू, आप लेट के नहीं देखेंगे राजकुमार, क्या कर रहे हैं आप? क्राफ्ट कर रहे हैं, आप स्टैंड पे लगाइए, दूर रखिए सामने, पता ना फिर दुखता है सिर्फ ना राजा मेरे, हाँ मेरा गुड बॉय। तो ये आटा जो है फ्रेंड्स, आप चाहे तो गेहूं का आटा ले सकते हैं, लेकिन ये सुपर सुपर हेल्दी आटा है, कैल्शियम से भरपूर है, फाइबर है, बहुत सारे फायदे हैं इसके। तो ज्वार आप जानते होंगे, ज्वार का आटा, और नाचनी या रागी भी जिसे कहते हैं वो आटा, ये दोनों आटे मैं मिक्स कर देती हूँ बराबर मात्रा में। आप चाहे इनमें से एक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं मिक्स करके रख लेती हूँ इस तरह से मेरे खाली प्रोटीन के डिब्बे में तो वो आटा ले रही हूँ मैं। और ये जो मसाला पराठा है ना, ये अपने आप में संपूर्ण मील है, आप टिफिन में ले जाइए, डिनर में बनाइए, लंच में खाइए, कभी भी जब बहुत कुछ बनाने का मन ना हो ना, बस इसे बना डालिए। अब इसमें ये जो गोभी और गाजर का मिक्सचर है मैंने ये डाल दिया, एक्चुअली सभी कुछ डाल देंगे, और भी कुछ चीजें जो डालूंगी दिखाती हूँ। साथ में वो जो आलू का चोखा था वो डाल दिया, एक मुट्ठी भर के पत्ते वाली सब्जी डाल दी ताकि हमारे अंदर और फाइबर और फायदा चला जाए। हरा धनिया ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा अच्छा स्वाद आएगा। और जो पनीर है, समझ लीजिए ये पाव किलो पनीर था 250 ग्राम, तो 200 से 250 ग्राम पनीर ही अपनी इच्छा के हिसाब से जो है मैश करके हम डाल देंगे इसको, ताकि हमारी प्रोटीन हो जाए साथ में, इसी में फाइबर हो जाए, विटामिन मिनरल प्रोटीन कैल्शियम सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। और ये जो हमने मसाला किया था ना सौते, ये डाल देंगे फ्रेंड्स। ये जो मसाला वगैरह हो जाता है ना, इसका ऑयल लगा रहता है,
इसे बिल्कुल वेस्ट मत होने दीजिए, एकदम जो है थोड़ा सूखा वही वाला आटा लिया मैंने निकाल के और उसी में लपेट के अच्छे से हम सब डाल देंगे, क्योंकि उसी में असली स्वाद होता है। नमक टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्का सा बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ये परात जो है एक्चुअली इस मटेरियल के हिसाब से छोटी है, लेकिन इस टाइम मेरे पास बड़ी परात थी नहीं। और पहले हम जो नमक डाला है और चीजों का अपना पानी है ना, उसी में इसे मिक्स करने की कोशिश करेंगे। साथ में चाहिए होगा तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें। बड़ी मुश्किल से मैंने इतनी छोटी परात में इतना सारा आटा गूंदा है फ्रेंड्स, और क्या बताऊं क्या क्या करना पड़ा है, अल्टीमेटली आटा गूंद गया है। लेकिन हाँ, जब आप बनाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, ताकि आपका ये जो आपकी जो रेसिपी है मसाला पराठा मसाला रोटी फटाफट बन जाए। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने ले लिया इसका पेड़ा, और ये एक कपड़ा आप देख सकते हैं पतला, आप चाहे तो कोई भी जो है कपड़ा ऐसे पतला ले सकते हैं, किचन क्लॉथ जो होता है, गीला करके अच्छे से निचोड़ के डाल दिया है, क्योंकि ये रोटी है एकदम ग्लूटेन फ्री, तो इसलिए जो है ये रोटी थोड़ी सी मुश्किल होती है बेलनी, थोड़ी क्या बिल्कुल ही नहीं बेली जा सकती है, हालांकि इसमें काफी कुछ पड़ा है फिर भी। तो इस पे हम थोड़ी बड़ी बड़ी रोटी बनती है ये, बहुत ज्यादा पतली और बहुत ऐसी नहीं बनती है, पराठा जैसा बना रही हूं मैं। आप चाहे तो नीचे उतार के घी लगा के खाएं, बट मैं आइडली कहूंगी थोड़ा सा पराठा ऐसे बनाएंगे ना तो बहुत स्वादिष्ट बनेगा। बस ऐसे पैट करते रहेंगे, इसे तवे पे हल्का सा घी लगाएंगे हम, और उसके बाद ये इस तरह से लेके डाल देंगे। गैस मीडियम रखेंगे या सिम रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा गैस तेज नहीं रखेंगे इसमें। हल्का हल्का से चेक कर लेते हैं हो गई है कि नहीं। थोड़ा सा टाइम लगता है फ्रेंड्स इस रोटी को बनने में, लेकिन इट्स वर्थ द एफर्ट। अच्छे से अंदर तक रोटी पक जाए उसके लिए ना मैं हल्के हल्के ऐसे कट्स डाल दूंगी इसमें। फाइनली हमारा हैप्पी हेल्दी लंच या डिनर जो भी कहिए तैयार हो गया है, और अब मेरे मन में बिल्कुल गिल्ट भी नहीं रहेगा कि क्योंकि मैं बाहर गई थी तो घर वालों को हेल्दी खाना नहीं खिला पाई।